Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म द मिरेकल के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी 1960 के दौर की है, जब शहर में रह रहे एक स्कूल टीचर माहिर इल्माज का ट्रांसफर करके उसे एक छोटे से गांव में भेज दिया गया। उसकी पत्नी और बच्चे ऐसा नहीं चाहते थे, पर माहिर को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ रहा था। अपनी पत्नी और बाकी के परिवार को छोड़कर माहिर अगली सुबह गांव के लिए रवाना हुआ, जहां पहुंचने में उसे काफी तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि उस गांव से मीलों दूर उसकी बस रोक दी गई और उसे बताया गया कि उस जगह से आगे गांव तक गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया ही नहीं है। उसे बताया गया कि उस गांव तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ों को पार करना होगा, और जब उसने पहाड़ों से गुजरते हुए ये सफर तय किया तो वो एक ऐसे गांव पहुंचा जहां के लोग उस पर छिपकर नजर रखने लगे, और मौका मिलते ही बंदूकों से उसे घेर लिया गया। जब उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर है तो गांव का सरपंच उसके पास आया। वो लोग उसके आने से खुश तो थे, पर फिर उसे बताया गया कि उस गांव में कोई स्कूल कभी बनाया ही नहीं गया। जब माहिर को उस घर ले जाने की तैयारी की जाने लगी जहां वो ठहरने वाला है, तो उसने देखा कि उस गांव में अजीज नाम का एक दिमागी तौर से कमजोर आदमी है जिसे बच्चे परेशान करते हैं। वहां रह रहे लोगों से बात करने पर माहिर को लगने लगा कि वो शायद बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो वहां कोई स्कूल है और ना ही उस गांव में बेटियों को पढ़ाने का किसी का इरादा है, और शायद इसीलिए उस गांव के बच्चों की किस्मत में अनपढ़ रहना ही लिखा है। अगली सुबह गांव के सारे कुंवारे लड़कों को बुलाया गया और उनमें उम्र में सबसे बड़े लड़के की शादी करवाने का फैसला किया गया, पर उम्र में सबसे बड़ा अजीज था, और क्योंकि उसकी शादी करवाई नहीं जा सकती, सरपंच ने अपने दूसरे बेटे अजीज के छोटे भाई जलाल की शादी करवाने का फैसला किया। और उसके लिए एक लड़की चुनी गई। शादी के लिए लड़की के चुनाव में कई सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि उसकी चाल, उसकी आवाज और उसके दांत। जलाल अपने लिए एक हूर की परी चाहता था, और उसके भाइयों ने आकर उससे कहा कि उसकी होने वाली पत्नी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे चाहिए। और जब उसने अपनी पत्नी गुल के दांतों को देखा तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अजीज अपनी बीमारी की वजह से कुछ बोल नहीं पाता, और उसकी बातें ना तो उसके पिता और ना ही कोई और समझ पाता है। एक दिन माहिर गांव में स्कूल बनवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाने के लिए निकला, और तब उनके सामने डाकुओं का गिरोह आया। पर सरपंच ने माहिर को बताया कि वो लोग सिर्फ जानवरों और पहाड़ों की रक्षा करते हैं। वो लोग ना तो किसी का सामान चुराते हैं और ना ही असल में डाकू हैं। ऑफिस पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि स्कूल नहीं बनवाया जा सकता, क्योंकि अभी उनका देश मार्शल लॉ में जी रहा है और गवर्नमेंट उनकी स्कूल बनाने में कोई मदद नहीं कर सकती। और क्योंकि वहां स्कूल नहीं बन सकता तो माहिर ने घर वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे वो किसी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। इस बात से सरपंच खुश नहीं था और उस गांव के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर उस रात माहिर ने इस बारे में बहुत सोचा और स्कूल बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया। अगली सुबह उसने सरपंच से कहा कि वो सिर्फ एक शर्त पर स्कूल बनाएगा, अगर वो लोग अपनी बेटियों को भी उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे, और वो लोग इस बात के लिए मान गए। इसके बाद माहिर ने अपने घर कॉल किया और अपनी पत्नी से कहा कि उसे डाकुओं ने पकड़ लिया है, और उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए पैसे मंगवाए। उसकी एक्टिंग काम कर गई और उसे जितने पैसे सीमेंट और लोहे के लिए चाहिए थे वो उसे मिल गए। जल्द ही गांव वालों की मदद से स्कूल बनाना शुरू किया गया। इतना ही नहीं, वहां डाकुओं ने भी आकर उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक तरफ जहां हर कोई स्कूल के काम में बिजी था, तो दूसरी तरफ बच्चे अब भी अजीज को परेशान कर रहे थे, और माहिर को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अजीज को सर पर चोट लगी थी, पर उसकी ये बात कोई नहीं समझ पाया, और बिना किसी इलाज के अजीज को अपने चोट का दर्द सहना पड़ा। कुछ दिनों बाद डाकू और गांव वालों ने स्कूल बना दिया और माहिर ने अपना स्कूल शुरू किया, पर अपना काम शुरू करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि गांव में मौजूद एक भी इंसान को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए माहिर ने देखा कि अजीज को भी स्कूल में आने का मन है, पर वो माहिर से डरता है। एक राज जलाल माहिर से मिलने आया ये जानने के लिए कि वो बच्चों के साथ बड़ों को भी पढ़ाएगा या नहीं, और तब उससे पूछने पर उसने माहिर को बताया
कि डाकुओं के साथ रह रहा उसका भाई सेमिलो पहाड़ों में क्यों चला गया। सालों पहले कासो नाम के एक आदमी ने गांव के बीचों बीच उनके पिता को पीटा था, जिसका बदला लेने के लिए सेमिलो ने कासो को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसीलिए वो सजा से बचने के लिए पहाड़ों में जाकर रहने लगा। माहिर अब उन बच्चों को अजीज को और परेशान करते हुए देख नहीं पा रहा था और उसने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पहली बार कोई इंसान अजीज की रक्षा कर रहा था और ये बात अजीज के पिता और अजीज दोनों को बहुत अच्छी लगी। पर उस दिन के बाद अजीज बदला बदला रहने लगा और एक दिन अचानक अजीज घर से गायब हो गया। उसे हर जगह ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि माहिर अब अजीज को पढ़ाने लगा है और अजीज के परिवार को उसे पढ़ते देखकर बहुत खुशी हुई। माहिर गांव वालों को बेहतर समझने लगा था और उस गांव के जीने का तरीका भी उसे समझ आने लगा था। उन गांव वालों की सच्चाई सिर्फ एक ही थी, 8 महीनों के लिए जब बर्फ पड़ती है तो वो लोग जीने के लिए भगवान पर निर्भर रहते हैं और बाकी के 4 महीने वो जीने के लिए सरकार पर निर्भर रहते हैं और इससे ज्यादा उनकी जिंदगी कुछ नहीं है। अजीज का पढ़ना लिखना एक तरह से उसके परिवार के लिए उत्सव बन चुका था और लोग माहिर को फरिश्ता समझने लगे थे क्योंकि उसकी वजह से अजीज ठीक होने लगा था। गांव में अब सब कुछ बदलने लगा था और जल्द ही उनसे मिलने समीलो आया, जिसकी पत्नी 10 सालों से हर रोज उसका इंतजार किया करती है। उस दिन समीलो को दिखाया गया कि स्कूल के बनने से सब कुछ कितना बदल गया है और उसका भाई अजीज भी कितना बदल गया है। जिस इंसान ने बचपन से एक भी शब्द नहीं कहा था वो आज पहली बार अपने पिता का नाम बोल रहा है और ये सब कुछ उसकी और माहिर की मेहनत का नतीजा है। समीलो को समझाया गया कि उसे अपनी जिद छोड़कर वापस अपने घर आ जाना चाहिए और अपने पिता की बात मानते हुए उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। एक एक कर अजीज के हर भाई की शादी हो रही थी, पर अजीज इस बात से खुश नहीं था कि उसकी शादी कभी हो नहीं सकती। कुछ दिनों बाद समीलो की सुनवाई का दिन आया और खुशकिस्मती से उसे सिर्फ 4 सालों की सजा सुनाई गई। सुनवाई के बाद कोर्ट से निकलते हुए सरपंच को समझ आया कि कोई वहां मौजूद बूढ़े आदमी को मारना चाहता है और सरपंच ने उस आदमी को बचा लिया। वो आदमी उनके पास के गांव में रहता है, जिसने कहा कि उसकी जान बचाने के बदले वो उसके लिए कुछ करना चाहता है और उसने अपनी बेटी की शादी सरपंच के बेटे से करने का वादा किया, जबकि वो ये जानता था कि उसका बेटा अजीज दिमागी तौर से कमजोर है। जब अजीज को बताया गया कि उसकी शादी होने वाली है तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और अजीज के लिए जो लड़की मिस गिन चुनी गई थी वो बेहद खूबसूरत और समझदार थी, जिसे देखते ही हर कोई रोने लगा क्योंकि उसे एक मानसिक रोगी से शादी करनी पड़ रही थी। रिश्ता पक्का होते ही उसे अजीज के पास ले आया गया, पर इस बात से कोई खुश नहीं था क्योंकि अजीज और उसका साथ रहना उस समाज को सही नहीं लगा। मिसगिन भी इस शादी से खुश नहीं थी, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब पहली बार अजीज ने मिसगिन का चेहरा देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर बेहोश हो गया और उस दिन के बाद मिसगिन उसे बेहतर समझने लगी और कुछ दिनों बाद उन दोनों का रिश्ता बेहतर होने लगा। अजीज के लिए सब कुछ खुशी से भरा था, पर मिसगिन के लिए चीजें बिगड़ती जा रही थी क्योंकि समाज के लोग उसे और अजीज को ये कहते रहे कि अजीज के साथ रहकर मिसगिन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक दिन मिसगिन का सब्र टूट गया और उसने कह दिया कि वो अब उसके साथ और नहीं रह सकती और समाज के ताने नहीं सुन सकती। अजीज इस बात को सह नहीं पाया और गांव से दूर पहाड़ियों पर चला गया। उसने अपनी जान देने की कोशिश की, पर सही वक्त पर माहिर वहां आ गया और उसने उसे बचा लिया। उसने अजीज से वादा किया कि वो उसकी परेशानी को दूर करेगा और उसकी मदद करेगा। उसने अजीज से एक चिट्ठी लिखने के लिए कहा और अगली सुबह वो चिट्ठी अपने घर वालों के लिए छोड़कर अजीज मिसगिन को लेकर वहां से भाग गया। माहिर ने वो चिट्ठी पढ़कर सबको सुनाई, जिसमें लिखा था कि कभी किसी ने अजीज को समझा ही नहीं और वो अब अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहता है, इसीलिए वो उस गांव को छोड़कर वहां से दूर एक शहर में रहने जा रहा है जहां उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद माहिर भी अपने घर लौटने के लिए निकलने लगा और जाते जाते उसने सबका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उन लोगों में एक परिवार को पाया है और उसने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा है। सरपंच का कहना था कि उनके अब तक सिर्फ 6 बेटे थे, पर माहिर में उन्होंने अपना 7वां बेटा पाया है। वो समझ गए थे कि अजीज को शहर भेजने वाला माहिर ही था, इसीलिए उस पर भरोसा कर वो अजीज के बारे में उससे कुछ नहीं पूछना चाहते थे। 7 सालों बाद गांव में हर कोई एक गाड़ी का इंतजार करने लगा, जिस गाड़ी में माहिर अपनी पत्नी के साथ फिर से उन गांव वालों से मिलने आया।
पर वो सिर्फ अपनी पत्नी नहीं एक और इंसान के साथ आया था जिसका इंतजार 7 सालों से किया जा रहा है। अजीज जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था लौट कर अपने घर आ गया था और अपने साथ मिसगिन और अपने 2 बच्चों को भी लाया था। अजीज को कोई पहचान नहीं पा रहा था पर जब उसका घोड़ा उसके पास आया तो सबको यकीन हो गया कि वो अजीज ही है और वो अपनी पत्नी मिसगिन की वजह से हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो चुका है जो एक मिरेकल से कम नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।